अशोकनगर जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज के युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलन के दौरान हजारों ब्राह्मण नवयुवक शामिल हुए, जिसमें ब्राह्मण समाज को आरक्षण देने और सवर्ण आयोग का गठन करने की मांग की है। इसी दौरान शहर के मुख्य मार्गों से होकर रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची, वहीं जहां आरक्षण के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और अन्य क्षत्रिय महासंघ और सवर्ण समाजों ने समर्थन किया है। ब्राह्मणों ने इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 6 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये ज्ञापन हमारा 3-4 सूत्रीय मांगे है हमारी। सबसे पहले जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 25 संविधान और 50 प्रतिशत का नियम है, लेकिन राज्य सरकारों ने इसे बढ़ा दिया है। इससे ब्राह्मण समाज के सभी युवा वर्ग, साथ ही पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार लोग बहुत भयंकर क्रोधित हैं, पीड़ित हैं। उनकी पीड़ा आज आप दिख रहे हैं सड़कों पर है, पर आने वाले समय में अगर ऐसी व्यवस्था रही तो ब्राह्मण समाज अंधकार में चला। क्या मांगे रखी आपने? हमने ब्राह्मण आयोग का गठन किया, जो मांग रखी है, जो कि शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में घोषणा की थी, लेकिन आज दिनांक तक नहीं किया गया। आज वन सेवा मंडल द्वारा भर्ती निकाली गई है 2021-22, परंतु आज अनारक्षित वर्ग के लिए उसमें एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। ये हमारे सामान्य वर्ग के युवा के साथ बड़ा ही अन्याय है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जी ने रीवा में 28 जनवरी 2021 को एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे गरीब कुचले ब्राह्मणों को उसमें अधिकार मिल सके, परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की घोषणा का पालन नहीं किया गया है। इसी के हम विरोध करते हैं और आगे भी हम ऐसे विरोध जताते रहेंगे। यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज क्या आपने प्रदर्शन यहाँ पे किया? आज हमारे युवा सेना द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमने ये मांगे रखी है कि हमारे ब्राह्मण बंधुओं को जो मंदिर पर पूजा रत्न है, उन्हें दक्षिणा दी जाए।